हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुट एक सीएनसी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टूल के डिटेल के बारे में जानने वाले हैं कि टूल का नाम जो होता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, क्या होता है उसका स्पेसिफिकेशन, यानी उसके ऊपर जो लिखा जाता है जैसे कि DCLLL, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग टाइप के टूल है मेरे पास, सब टूल मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। उसमें टर्निंग टूल है, बोरिंग बार है, ग्रूविंग टूल है, तो बहुत सारे टूल है, उसके बारे में आज मैं डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते, देख लेते। ये जो हमारा टूल है ये ओडी ग्रूविंग का टूल है। अब इसका नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं GH मतलब ग्रूविंग होल्डर 25x25। इसका मतलब होता है कि इसका जो विड्थ और हाइट है ये 25x25 mm है। तीन का मतलब होता है कि इसका जो इंसर्ट है यहाँ पे ये 3 mm का इंसर्ट है। उसके बाद T18 यानी कि इसमें जो टूल का लेंथ है ये 18 mm है। और यहाँ पे LH मतलब ये लेफ्ट हैंड टूल है। इसके बाद ये हमारा TNMG का टर्निंग टूल है, तो इसका नाम यहाँ पे लिखा है MTJNL 2525M16। अभी इसमें T और N यानी 2 नंबर का और 4 नंबर का जो लेटर होता है ये इंसर्ट के बारे में आपको बताता है। तो TNMG इसमें इंसर्ट बैठता है जो 16 mm का रहेगा। अभी ये विडेक्स करके कंपनी है, उसका एक टूल है, ये टर्निंग टूल है हमारा, लेफ्ट हैंड टूल है। इसके बाद ये देखिए DCMT का टूल है हमारा, तो इसमें DCMT इंसर्ट बैठता है। अभी इसमें और इसमें क्लैंपिंग सिस्टम देखिए, ये जो क्लैंपिंग सिस्टम है M टाइप यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको इसको स्क्रू को लूज करना है तो टॉप क्लैंप रहेगा, इसको लूज करेंगे और इसमें इंसर्ट हम बिठाएंगे। ये जो है स्क्रू क्लैंप है, तो इसके लिए स्टार आलंकी की जरूरत पड़ती है। स्टार आलंकी यहाँ पे लगा देंगे तो ये स्क्रू यहाँ पे निकल जाएगा। इस प्रकार से आप स्क्रू को निकाल सकते हो और ये इंसर्ट निकल जाएगा। बिठाने के लिए दोबारा उसी प्रकार से इंसर्ट रखना है और स्क्रू को आपको टाइट करना है, तो इस प्रकार से ये टूल है। इसके आगे है हमारा ID ग्रूविंग, जिसमें हम ID ग्रूविंग का इंसर्ट लगाते हैं। यहाँ पे उसका स्क्रू है, आप इसको लूज करेंगे तो इंसर्ट निकल जाएगा, दोबारा स्क्रू इंसर्ट रख के इसको टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। ये ID ग्रूविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका लेंथ यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद ये DCMT का 16 mm का हमारा बोरिंग बार है, ये देख सकते हैं। DCMT का छोटा इंसर्ट है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये 11 mm का रहता है और ये 7 mm का रहता है, तो ये 7 mm का छोटा इंसर्ट है। इसको भी स्क्रू क्लैंप है, यहाँ पे स्टार आलंकी इसमें बैठती है। 16 mm का बोरिंग बार है ये। इसके बाद ये 40 mm का बोरिंग बार है, इसको टॉप क्लैंप है। ये CNMG का बोरिंग बार है, 40 mm का है, तो इसको स्लीव की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट होल्डर में बैठ सकता है। इसके बाद ये जो देख रहे हो टेपर स्लीव है, टेपर स्लीव ये ड्रिल को बिठाने के लिए रहता है। ये HSS का ड्रिल है, इसको अगर हमें बिठाना है तो इसमें इस प्रकार से हम इसको डाल सकते हैं। बाद में ये होल्डर में डाला जाएगा और होल्डर के जो स्क्रू होंगे वो यहाँ पे आके इसको क्लैंप करेगा। उसके बाद ये जो स्लीव है ये 32 mm का स्लीव है। अलग अलग बोरिंग बार के लिए अलग अलग स्लीव रहता है, जैसे कि 8 mm का होगा तो उसका बोर अंदर का छोटा होगा, ऊपर का डाया सभी का 40 mm ही रहता है। जैसे मेरे पास ये 32 का बोरिंग बार है, सॉरी 25 का है शायद, ठीक है, ये 25 का स्लीव है, तो ये 25 का बोर है और ऊपर का बोर इसका 40 mm का रहता है, तो इसमें हम 25 का बोरिंग बार बिठा सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये HSS का ड्रिल है। उसके बाद ये DCMT का मेरा बोरिंग बार है 32 mm का, इसका नाम इसके ऊपर लिखा होता है S32Q SDQCL। L का मतलब होता है कि ये लेफ्ट हैंड बोरिंग बार है, और इसमें देख सकते हैं D और C, ये जो लेटर है दूसरा लेटर और चौथा लेटर, ये इंसर्ट के बारे में डिफाइन करता है आपको। DC यानी कि DCMT इंसर्ट इसमें बैठता है, और S32 जो है 32 है, ये 32 इसका शांक का डाया होता है, ये इसका डाया है 32 mm। उसके बाद ये CNMG का हमारा टर्निंग टूल है, मोस्टली कॉमन हर कंपनी में आपको ये देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है DCLNL 2525M12। डी का मतलब होता है इसका जो सिस्टम है टॉप क्लैंप का सिस्टम है उसके लिए डी लेटर है। सी यानी कि जो इंसर्ट बैठ रहा है वो 80 डिग्री वाला इंसर्ट है। एल का मतलब होता है कि ये इसका जो क्लैंपिंग सिस्टम है इसमें 5-5 डिग्री अलाउन छोड़ा हुआ है, इस तरफ 5 डिग्री इस तरफ 5 डिग्री। उसके बाद N जो है ये क्लियरेंस एंगल के लिए, इंसर्ट आपका पूरा फ्लैट रहता है। L जो है ये लेफ्ट हैंड है, ये टूल लेफ्ट हैंड है, ये डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है।
एम का मतलब होता है कि इसका जो लेंथ है ये 150 mm लेंथ है, और उसके बाद 12 जो है ये इंसर्ट के साइज के लिए दिया गया है। तो ये हमारा CNMG लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल है। इसके बाद ये यू ड्रिल है, ये जो यू ड्रिल है हमारा ये 40 mm का यू ड्रिल है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। तो ये 40 mm का हमारा यू ड्रिल है। इस पे जो इंसर्ट बैठता है ये SPMT का इंसर्ट है, ये देख सकते हैं स्क्वायर इंसर्ट रहता है, तो इसको चार कोना रहता है, एक कोना खराब होने के बाद आप इसको चेंज करके दूसरा कोना आगे ले सकते हो। चेंज करने के लिए इसको स्क्रू क्लैंपिंग है, तो आप टी अलंकी से यानी कि स्टार अलंकी से आप इसको निकाल सकते हो। ये कुछ अलंकी हमने यहाँ पे रखा है, जैसे कि 3 mm का, 4 mm का, 5 mm का, हर अलंकी पहचानने के लिए उसके ऊपर उसका लिखा होता है ये कितने mm का है, जैसे इसके ऊपर लिखा है देखो 5 mm करके, तो ऐसे लिखा होता है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो उसको। तो ये अलंकी होता है, किसी भी टूल का आपको स्क्रू निकालना है तो अलंकी से आप निकाल सकते हो। अंत में देखिए ये हमारा छोटा 10 mm का बोरिंग बार है, तो इसका स्लीव देखिए, ऊपर का डाया इसका 40 रहेगा, अंदर का डाया इसका 10 mm रहेगा। जब अंदर का डाया 10 होगा तो इसमें 10 mm का बोरिंग बार जा सकता है। बोरिंग बार को क्लैंप करने के लिए नीचे देखिए यहाँ पे अलंकी स्क्रू रहते, तो आपको ये स्क्रू टाइट करना है जिससे बोरिंग बार टाइट होगा, और बाद में स्लीव डाल के ऊपर से होल्डर के बोल्ट इसको आके स्लीव को पकड़ेंगे, तो ये दोनों तरफ से फिर क्लैंप हो जाता है, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो लेंथ है वो प्रोग्राम के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे टूलिंग के डिटेल यहाँ पे देख लिए। वैसे देखा जाए तो ये डिटेल मैंने आपको बहुत रैपिडली दिए हुए, आगे मैं ऐसे ही करूंगा कि हर एक टूल का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी चलता है, 1 महीने का ट्रेनिंग होता है हमारा, उसमें हम CNC का ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग ये सिखाते हैं। अगर आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप मुझे जरूर कॉल कीजिए, मेरा फोन नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।